गया था मुन्ना? अरे वहां सब आ गए, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। अक्षरा को लेके गया और अब आ रहा है। तेरी माँ दर्जनों बार पूछ चुकी है। ज्यादा गुस्से में तो तू परेशान मत हो, हाथ मुंह धोले जा, पंडित जी पूजा के लिए बैठे। चल। इतनी देर कैसे लग गई? हाँ जरा सी देर नहीं हुई और आपका चिंता करना शुरू। तूने जवाब नहीं दिया। हाँ बताया था ना, ट्रैफिक में फंस गए थे, अब वहीं फूल लेने में देर हो गई। फूल? फूल कहाँ है? हाँ कहाँ है फूल? फूल तो वहीं रह गए। लो कहाँ? वो गाड़ी में? नहीं नहीं दुकान पर। अक्षरा दी, जय श्री राम। अक्षरा दीदी आप फूल तो घर पे ही भूल आए थे। बड़ी माँ ने कहा अभी देकर आओ, इसीलिए हम ले आए। अच्छा किया ना। ये लीजिए फूल। रश्मि फूल लेकर आओ। गुलाबो? जी छोटी माँ। गुलाबो भोला को जलपान करा दो। जी छोटी माँ। जय सियाराम। जय सियाराम। चलिए भोला जी। तुम दोनों घर गए थे? वो माँ मैंने सोचा अक्षरा को अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सॉरी। तू अक्षरा को बेहड़ ले जाना चाहता था तो क्या मैं अनुमति नहीं देती? दुख तो मुझे इस बात का है कि तूने झूठ बोलना शुरू कर दिया है किसी भी वजह से। अक्षरा को तो पता भी नहीं था मैं ही उन्हें ले गया था। ये तो मेरे साथ ये सोचकर गई थी कि हम फूल लेने जा रहे हैं। ये भी चौंक गई थी जब मैं इनको इनके घर लेकर पहुंचा। जो भी हो। हाँ मुन्ना जो भी हो बता कर जाता। मुझे कहा जा रहे हो फूल लेने और चल दिए बहू के महके। मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर भाभी माँ
मेरे पास इतना वक्त था ही नहीं। अक्षरा को अपने घर वालों की याद आ रही थी, आपने चेहरा देखा था इनका, कैसे उतर गया था। ये तो आपकी लाडली बहू है ना, आप ही तो कहती है ना मुझसे कि मैं इनका ख्याल नहीं रखता, इसीलिए मैं ले गया था, वरना मुझे क्या। बस और बहस बाद में कर लेंगे, अक्षरा को तैयार होना है, लोग आकर बैठे हुए हैं। अक्षरा हाथ मुंह धोकर पूजा के लिए आओ। मेरे और अभिनव के प्यार की आखिरी निशा, एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा। हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। भोला जी, लीजिए हमारे समधियों के लिए तीज का शगुन। बहू का जाना इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ साथ भेजने का समय ही नहीं मिला। राजश्री बहन से कहिएगा हमें बहुत खुशी है, कुछ समय के लिए सही अक्षरा सबसे मिल सकी। हमारा प्रणाम कहिएगा। जय श्री राम। माना मुन्ना ने जो किया सही नहीं था, पर कम से कम बहू तो उसके माँ से मिल सकी ना। छोटी दुल्हन, तुम सब बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती हो, मैं तो कितनी परेशान हो गई थी। कितना गुस्सा किया तुमने बहू पर। मैंने अक्षरा से तो कुछ नहीं कहा, मैं मुन्ना से गुस्सा। अगर वो मुझसे पूछ लेता तो मैं मना करती क्या भाभी माँ, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मैं जानता हूं आपको कैसा लग रहा है, पर गलती तो मेरी है ना। सब लोगों को मुझसे शिकायत है, आपसे नहीं। पर नैतिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिम्मेदार माने जाएंगे, मैं भी इसमें बराबर की भागीदार हूँ। आप मुझे मेरे मायके मेरी खातिर लेकर गए थे ताकि आप मुझे खुश कर सके, पर माँ से छूट। आपने देखा ना वो कितनी नाराज हो रही थी। हाँ थोड़ा नाराज हुई है, पर माँ आपसे नहीं मुझसे नाराज है। हमें उनसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है नैतिक, वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। देखिए आप परेशान मत होइए, माँ का गुस्सा तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो ये सब भूल भी जाएंगी और हमें माफ भी कर देंगी। माँ वैसे भी अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। पर नैतिक, मैं तो उनकी बहू हूं ना, और दादी हमेशा कहती है कि बेटी की हजार गलतियां माफ की जाती हैं, और बहू की एक भी गलती अनदेखी नहीं की जाती।